नमस्कार, mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। mandi.com में हम हमेशा बात करते हैं किसानों की, किसानी की, और कोशिश करते हैं ये समझने जानने की कि किन तरीकों से, चाहे वो तरीके खेती से जुड़े हों, चाहे वो खेती के उपज की मार्केटिंग से जुड़े हों, या खेती से जुड़े जो अन्य सहायक क्षेत्र हैं जिनको अलायड फील्ड्स, अलायड एरियाज बोलते हैं, वहां से जुड़े हों, लेकिन किसी भी तरह से कैसे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, ये हमारा मेन फोकस होता है इस कार्यक्रम में। और इसी फोकस के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास किस्म की खेती की, जो हाल के दिनों में जब से देखा जाए तो किसान ज्यादा प्रगतिशील होने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो इंटरनेट जैसे जो नॉलेज रिसोर्स हैं उससे जुड़ने लगे हैं, तो उनमें इस तरह की खेती की लोकप्रियता भी बढ़ी है। और ये खेती है झींगे की खेती, जिसको श्रिम्प कल्टीवेशन भी कहा जाता है। आज अपने साथ इसी खेती पर बातचीत करने के लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को जोड़ा है, जो पिछले करीब करीब 6 सालों से ये खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं, हमारे आज के मेहमान विकास दुहन से। विकास दुहन के बारे में खास बात यह है कि उन्होंने कई मिथकों को तोड़ा है। यानी एक तो माना जाता है कि खेती में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। उन्होंने नेवी की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद इस खेती में कदम रखा और पिछले 6 साल में कहा जा सकता है कि कई गुना अपनी खेती को बढ़ाया है और कई सफलता के जो मानक माने जाते हैं उनको हासिल किया है। विकास दुहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका mandi.com पर। नमस्कार भुवन भास्कर जी। विकास जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा आपके एक संक्षिप्त परिचय से, और वो परिचय मैं चाहूंगा कि आपकी जो किसानी का परिचय है, यानी पिछले 6 साल में आपने जो अपनी यात्रा शुरू की और जिस तरह से आप बढ़े हैं इसमें, जो श्रिम्प की खेती में, झींगे की खेती में, उसको हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में बताएं। देखिए भुवन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने, जैसे आपने बताया रिटायरमेंट, तो मैं पहले इंडियन नेवी में जॉब की है, मैंने 15 साल तक देश की सेवा की है। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे अपना, क्योंकि हम नेवी के अंदर या फौज के अंदर एक कम एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं, जब 34-35 ईयर्स की एज रहती है, तो उसके बाद हमें आगे का अपना सेकंड करियर भी स्टार्ट करना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे साथी जॉब की तरफ भी जाते हैं, जैसा कि, पर हम बेसिकली जिस जगह से आते हैं वहां पर खेती बाड़ी का महत्व शुरू से ही रहा है और हमेशा से ही हमारे पुरखे भी खेती बाड़ी करते आए हैं। लेकिन मैं ये देखना करना चाहता था कुछ के, हम खेती बाड़ी जो ट्रेडिशनल खेती है उससे अलग और कैसे मुनाफा ज्यादा ले सकते हैं। तो जैसा आपने, मैंने अभी बताया था आपको कि मैं ज्यादातर कोस्टल एरिया में रहा हूँ, समुद्री तटीय इलाकों में, तो वहां पे मैंने मछली पालन देखा और उसमें भी मैंने झींगा पालन जो देखा है, झींगा वो काफी महंगा स्पीशीज है। तो यहाँ जैसे रिटायर होने वाला था उस टाइम पे, यहाँ पे CIFE सेंटर है रोहतक में जो मछली के ऊपर रिसर्च करता है, तो उन्होंने झींगा के ऊपर कोई पायलट प्रोजेक्ट लगाए थे, यहाँ एक आध दो प्रोजेक्ट उनके सक्सेस हुए, तो उसको देख के मेरा जो रुझान, इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ा, तो मैंने इसके अंदर कदम रखा 2016 के अंदर, जैसे ही मैंने जॉब अपनी छोड़ी। तो उसके बाद से 6 साल हो गए हैं मुझे सर करते हुए। मैंने 5 एकड़ से शुरुआत की थी, 5 एकड़ से शुरू करके आज मेरे पास में 15 एकड़ है जी। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम और भी इसको बढ़ाएं जी। तो काफी सफर जो है वो संघर्षपूर्ण भी रहा है और काफी अच्छा भी रहा है, जो फायदे का भी हम कह सकते हैं इसको। जैसा हम खेती में देखते हैं, नॉर्मली हम एक कोई भी खेती, कोई भी किस्म की खेती करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है, इसीलिए किसान परेशान है। लेकिन अच्छा, जो ये खेती है विकास, ये भी मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि हरियाणा से आप आते हैं, हरियाणा के रोहतक से आप आते हैं, और हरियाणा की जमीन जो है वो माना जाता है कि बहुत ही उपजाऊ है और खेती वहां तमाम तरह की फसलें होती भी हैं। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो जिस खेत पे आप खेती कर रहे हैं उस पे अगर कुछ और आप खेती कर रहे होते तो आप किस तरह से, आपको लगता है कि उसकी तुलना आप कर सकते थे? मैं जो जिस जमीन पे, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो झींगा पालन है वो खारे पानी में होता है, मीठा पानी में झींगा पालन नहीं होता है। तो खारा पानी जिस जमीन में था वो जमीन बंजर जमीन थी,
जहां पे मैं अभी खेती बात कर रहा हूँ, जो झींगा की खेती, वो बिल्कुल बंजर जमीन थी, उसमें कुछ पैदा ही नहीं होता था। और बहुत सारा हमारा करीब, मैं कहूँ तो हरियाणा में बोलते हैं कि बहुत अच्छा उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर एक और आपको चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आधे से ज्यादा हरियाणा में खारा पानी है जमीन के नीचे। जो हम लोग खेती होती है वो हमारे पास में नहरी पानी से ज्यादा खेती होती है। बहुत से इलाके हैं जहां जमीन में पानी नहीं है, लेकिन नहर के पानी से लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो जमीनी पानी जो है वो हमारा खारा है। इसके अंदर करीब 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पूरा खारा पानी है। आप गुड़गांव से लेके और रोहतक होते हुए सीधा सिरसा तक चले जाइए, ये पूरा बेल्ट खारे पानी की। तो इसके अंदर मैं आपको मुनाफे की बात कहूं तो एक ट्रेडिशनल खेती में आप साल के अंदर 1 एकड़ के अंदर 30-40 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं झींगा पालन के अंदर ये इससे बिल्कुल उलट है। आप बंजर जमीन जिसमें आप वो 40 हजार भी नहीं कमा सकते हैं, उस जमीन के अंदर भी आप 3-4 लाख रुपया सालाना मिनिमम कम से कम आप कमा सकते हैं। आपने कहा कि ये खेती केवल खारे पानी पर ही हो सकती है, तो इसका मतलब क्या ये भी माना जाए कि कोई भी किसान जो अगर इस खेती की शुरुआत करना चाहता हो, उसको पहले ये देखना, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास जो खेत है उसी में आप तालाब बनवा के और श्रिम्प की खेती शुरू कर दें? आपको उसके लिए बाकायदा वो जगह चुननी होगी जहां खारा पानी है, या कोई ऐसा भी उपाय है कि आप जो सामान्य खेत लोग बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं अपने खेतों में, उसको भी आप खारा करके और ये खेती कर सके, मतलब कृत्रिम तौर पे, ये क्या संभव है? नहीं भुवन जी, मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली रहने वाला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरी जमीन भी वहीं पे है। मुझे वहां, हमारे वहां पे मीठा पानी है, तो मैं वहां पे ये काम नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने आके रोहतक में एक जमीन का चयन किया जो इस लायक, तो वहीं पे आप काम कर सकते हो। वहां पानी का टेस्ट हमने करवाया, पानी की रिपोर्ट्स जो हमारे मुनाफिक थी खेती के लायक झींगा के, वहीं पे हम ये काम कर सकते हैं। हम सभी जगह नहीं कर सकते हैं, और कृत्रिम तौर पे भी हम पानी को बदल के इसको नहीं कर सकते हम। जी विकास, इसका बहुत साफ और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका मतलब ये है कि जो ऐसी जमीन है जो बंजर है, और इसलिए बंजर है कि वहां पर पानी जो है वो खारा है, उस जमीन का इस्तेमाल जो एक तरह से देखा जाए तो बेकार जमीन है, कोई आमदनी नहीं दे सकती है, उसको आप बहुत ज्यादा मुनाफे वाली जमीन में बदल सकते हैं, और वहां पे झींगे की खेती के लिए वो बिल्कुल मुफीद जमीन है, ये कहना है विकास दुहन का अपने अनुभव से। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौटने के बाद मंडी डॉट कॉम में झींगे की खेती पर ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी डॉट कॉम में। हम बात कर रहे हैं आज मंडी डॉट कॉम में झींगे की खेती के बारे में, और हमारे साथ इस समय झींगे की खेती के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जो प्रगतिशील किसान जुड़े हैं, उनका नाम है विकास दुहन, जो पिछले करीब करीब 6 सालों से हरियाणा के रोहतक में झींगे की खेती कर रहे हैं और बहुत सफल खेती कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 एकड़ से इसकी शुरुआत की और 15 एकड़ तक पहुंच गए हैं, जैसा कि अभी पहले बातचीत में विकास ने बताया। विकास, आप जोखिम की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इसमें काफी जोखिम भी है, किस तरह का ये जोखिम है जरा बताइए हमारे उन किसानों के लिए जो इसको करना चाहते हैं। जैसा कि मोहन जी मैं पहले बताया था मैंने, इसके अंदर क्या है, देखिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है, पैसा थोड़ा खेती में ज्यादा लगता है, ट्रेडिशनल खेती में उतना पैसा नहीं लगता है। ज्यादा इसके अंदर आपका
ज्यादा मतलब विकास जी अगर हाँ। एक एकड़ में हम कर रहे हो ये बना के तालाब, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा शुरुआती दौर पे? अगर मैं कहूँ तो 10 लाख रुपए का खर्च आता है। जो गवर्नमेंट का एक हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है, और इस ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और रनिंग कॉस्ट दोनों मिला के है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट निकाल देंगे तो रनिंग कॉस्ट आपकी 6 लाख के आसपास आती है, 5 से 6 लाख रुपए सालाना पर एकड़। ठीक है, तो जब इतना बड़ा पूंजी लगता है और लाइव स्टॉक है, जिंदा चीज हम जो कि पानी के अंदर रहती है, अगर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, कहीं हमारी चूक रहती है इस काम के अंदर या हमारा मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है, तो जोखिम तो देखिए फिर उसमें रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या है कि ये एरिएशन इसके अंदर चलता है ऑक्सीजन के लिए पूरा रात में, रात के टाइम ये और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन पानी के अंदर कम होता है, तो हम कृत्रिम इनके लिए एरिएटर, जैसे एक्वेरियम के अंदर हम पंप चला के मछलियों को ऑक्सीजन देते हैं, उसी तरह हमारे पास बड़े एरिएशन के लिए बड़े एरिएटर्स और ब्लोअर्स रहते हैं जिससे हम इसको ऑक्सीजन देते हैं। अगर लाइट फेलियर होता है, हमारे पास अच्छा बैकअप नहीं है, जनरेटर्स वगैरह नहीं है, तो एक रिस्क रहता है, क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाती है इसके अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका डे बाय डे जो खर्च होता है, काफी कॉस्टली फीड आता है, 90 रुपीज के आसपास पर केजी फीड आता है, फिर डेली आपका बड़ी बड़ी मोटर्स चलती हैं, उनका बिजली का खर्च भी होता है। अगर झींगा बढ़ेगा नहीं तो हमारा खर्च बढ़ता चला जाएगा, तो हमें नुकसान होगा सर्दियों में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सर्दियों में इसका पालन नहीं करते हैं। झींगा सर्दियों में उतना मरने का ये नहीं है कि मैं मर जाता है, बाकी मछलियों की तरह जिंदा रहता है लेकिन बढ़ता नहीं, तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर हमें नुकसान होगा, तो इसलिए हम लोग इसको नवम्बर में निकाल देते हैं। अच्छा, नवम्बर में खाली कर देते हैं आप अपना पॉन्ड जो है नवम्बर में, और फिर नए बीज डालते हैं आप? कब डालते हैं नया? हम लोग मार्च में डालते हैं, मार्च से शुरुआत हो जाती है, मार्च से लेकर जुलाई तक नया बीज डलता रहता है गर्मी के टाइम में। इसके लिए एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो 26-27 से लेके और 34 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अच्छा माना गया है, अच्छी ग्रोथ और अच्छा, ज्यादा गर्मी में भी दिक्कत होती है और ज्यादा सर्दी में भी दिक्कत होती है, जी झींगा ग्रोथ नहीं होता है। एक एकड़ में कितने बीज की जरूरत पड़ती है, और वो बीज जब पूरा ग्रोथ हो जाता है तो वो कितना झींगा करीब हो जाता है? देखिए, एक एकड़ के अंदर हम लोग जैसे स्टॉकिंग बोलते हैं, इसके अंदर सीड स्टॉक करते हैं, तो वो हम 40 पीसेज कम से कम पर स्क्वायर मीटर, तो जो एक एकड़ का जो तालाब होता है वो 4000 स्क्वायर मीटर का होता है, तो हम लोग 1.5 लाख से लेके और 2.5 लाख तक का बच्चा हम इसमें डालते हैं सीड जो होता है। तो उस सीड से हमें डालने के बाद सर्वाइवल रेट हमारा क्या आता है, अगर हम 2 लाख बच्चा डालते हैं उसमें से हमारा 1.5 लाख सर्वाइव करता है, तो हम जो प्रोडक्शन है वो 3 टन से लेके और 4.5-5 टन पर एकड़ तक हम निकाल सकते हैं। जी जी, चलिए ये बात की कॉल जी विकास होती है जारी रखेंगे ये, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम विकास दुहन से जानेंगे श्रिम्प की मार्केटिंग के बारे में, और खास तौर से कोई भी इस तरह के जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ का कोई किसान अगर इसकी खेती करना चाहता है तो बाजार की तलाश वो कैसे करे, किस तरह से वो रेट्स को जो उसकी भाव उसके भाव और उसकी दरें हैं उसको कैसे समझे, और उन पर किस तरह से उनको अपने कहा जाए कि पक्ष में रख सकता हो ज्यादा से ज्यादा, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। आज हम बात कर रहे हैं श्रिम्प कल्टीवेशन यानी झींगे की खेती की, और ये झींगे की खेती जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं मैदानी इलाकों में, यानी जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है जहाँ की आम तौर पे खारे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं, कहीं कहीं हैं, लेकिन जहाँ हैं उनका नुकसान ये है कि उनके कारण वो पूरे का पूरा इलाका और वो वहाँ की जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, और उसका एक तरह से देखा जाए तो कोई भी आर्थिक उसका फल नहीं मिल पाता है, यानी कोई भी उससे आमदनी किसान को नहीं होती है। तो इसका इस्तेमाल झींगे की खेती के तौर पे कर सकते हैं, ये हमने अभी तक कार्यक्रम में जाना आज के हमारे मेहमान किसान विकास दुहन से। तो विकास, अभी तक तो हमने ये समझा कि खेती कैसे कर सकते हैं, क्या जोखिम है, क्या इसका इसका लागत किस तरह से आती है, क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा विषय मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। जब ये जो आपने बताया कि एक एकड़ में 4 से 5 टन झींगा निकलेगा, तो नेचुरली अगर सीधे हम वो झींगा को लेके और मंडी में जाएं तो उसका रेट किस तरह से मिलेगा, जो 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 हालात सब्जियों में होते हैं क्योंकि इसमें भी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो इसको कैसे आप समझाना चाहेंगे और कैसे इसको मैनेज आप करते हैं? जी भवन जी, इसमें क्या है, देखिए मंडी का जो आप बता रहे हैं कि कहीं भी प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो देखिए रेट पे तो दिक्कत आती ही है। किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी ही एक ये है कि ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो रेट उनको कम मिलता है। लेकिन जैसा कि झींगा के मामले में एक फायदा ये है कि ज्यादातर झींगा का खपत जो है वो इंडिया में कम खपत है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हमें अभी तक बेचने की इतनी दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि दिल्ली की खपत भी जैसे हमने 2016 में शुरू किया था तब से लेकर अभी तक करीब 3 गुना बढ़ गई है दिल्ली के अंदर खपत भी, और जो प्रोडक्शन होता है वो दिल्ली पूरे प्रोडक्शन को यहाँ पे नहीं खपा सकती है। दिल्ली मंडी जो है उसके लिए बाहर से एक्सपोर्टर्स आते हैं, प्रोसेसिंग हाउस हैं जो कोस्टल एरिया में है, वहां से गाड़ियां आती हैं और वो यहाँ से पूरा मेटेरियल जो है वहीं कोस्टल एरिया में जाके वहां से प्रोसेस होके एक्सपोर्ट होता है। तो हमें मार्केटिंग का ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत रेट अप एंड डाउन आता है क्योंकि देखिए यहाँ से वहां तक का ट्रांसपोर्ट है, हमें सामान लाना भी वहीं से है और भेजना भी वहीं पे है ज्यादा जो सेल है, क्योंकि अभी जो हो रहा है आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों स्टेट के अंदर झींगा पालन 2016 से लेके अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। करीब करीब मैं आपको कहूं तो 2-2.5 हजार हेक्टेयर में काम हो रहा है जी। विकास, लेकिन जो एक्सपोर्ट मार्केट आपने कहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट ही है जिस पर कि एक तरह से भरोसा कर सकते हैं और उसके कारण आपको कमी नहीं होगी अपने माल को बेचने के लिए जगह की, लेकिन इस एक्सपोर्ट मार्केट को पकड़ने का तरीका क्या है, कहाँ किसान को कहाँ संपर्क करना चाहिए, किन क्या सरकारी विभागों के पास जाने की जरूरत होती है या प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हैं, कैसे करेंगे इसको? नहीं, सरकारी विभाग से तो इनका कोई लिंक नहीं है, प्राइवेट जो है एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग आते हैं, बायर्स रहते हैं तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं कांटेक्ट, सभी जो भी फीड डीलर्स हैं कोई भी डीलर्स जो हैं उनके कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, और जनरली ग्रुप्स बने हुए हैं आजकल, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उनमें नंबर फ्लैश होते रहते हैं, तो इतना बड़ा काम नहीं है आपको किसी एक्सपोर्टर तक पहुंचना, और वो लोग भी कॉन्टेक्ट करते रहते हैं अपने आप से, तो इतना इशू नहीं है मार्केटिंग का हमें इसके अंदर। इसके अंदर बस एक ही चीज मैंने आपको बताया कि जोखिम जो है वो प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन के अंदर अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपको मतलब इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, नहीं तो आपको मार्केटिंग का भी बड़ा इशू नहीं है और सीड वगैरह भी वहीं से जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसके, सीड है, फीड है, मेडिसिन, वो सभी भी हमारा साउथ से ही आता है क्योंकि देखिए वहां पे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि वहां एक नेचुरल क्लाइमेट उसके लिए है।
लेकिन जब आप बार बार प्रोडक्शन के जोखिम की बात कर रहे हैं विकास, तो मैं एक बार आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी जगह है, कोई संस्थान या कोई जहाँ की आप सलाह देंगे कि कोई अगर ये खेती करना चाहता हो, शुरुआत करना चाहता हो, तो जाके पहले प्रॉपर ट्रेनिंग एक उसको वहां पर मिल जाए, जो जो तमाम आयाम है, जो आस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो जोखिम का हो, मार्केटिंग का हो, या फिर बीज कैसे लाएं, कैसे डालें, कैसे उसकी शुरुआत में देखभाल करें, वो सब चीजें एक साथ उसको सारी जानकारी मिल जाए। देखिए, रोहतक के अंदर सीआईएफई सेंटर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, लाहली एक गांव है वहां पे बना हुआ है, तो वहां पे वो लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं और बाकी जानकारियां भी आपको मिल जाती हैं, पानी की टेस्टिंग भी होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पानी है। अगर आपका पानी का क्वालिटी ठीक है, आपके पानी में खारापन 10 सैलिनिटी से ऊपर है और 25-30 सैलिनिटी से नीचे है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी रेशो होता है सभी चीजों का, तो वो अगर बराबर है तो वो टेस्टिंग पानी की सीआईएफई सेंटर रोहतक लाली में ही होती है। वो होने के बाद आपका आधा जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जैसे हम है रहने के लिए अगर अच्छा एनवायरमेंट मिलता है तो आधी बीमारियां तो आदमी की वैसे खत्म हो जाती है। वही है इनका। अच्छा, जो मानक आपने पानी के बताए हैं, उनकी सैलिनिटी में एक एक जो निचला स्तर है, ऊपरी स्तर है, उसके अलावा कुछ अलग और तत्व जो पोटेशियम जैसे आप बता रहे हैं, अगर मान लें कि इनमें 5 मानक हैं, 3 मानकों पर कोई जगह पानी है वो खरा उतर रहा है, 2 में कमी है, तो क्या ऐसा भी कुछ उपाय है कि कुछ ऐसे उपायों से बाकी जो 2 चीजें हैं उनको पूरी की जा सके, या अगर 5 मानक नहीं पूरे होते हैं तो आप नहीं खेती कर सकते हैं, ये मान लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली चीज होती है इसकी सैलिनिटी, जो होता है पानी का खारापन, पानी के अंदर नमक कितना है, तो वो हमारा हम कर सकते हैं 5 से ऊपर भी, लेकिन 10 जो है वो अच्छा माना गया है, 10 से लेके 25 तक 35 तक जो भी हमें सैलिनिटी मिलती है वो सैलिनिटी अच्छी है। उसके अंदर उसके साथ में होता है इसके अंदर आपका पीएच जो है पानी का, वो 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए आपका मैक्सिमम। अब उसके अंदर आ जाती है इसकी कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो 1:3:1 का होता है, तो वो अगर रेशो आपका कहीं अप एंड डाउन होता है, जनरली हमारे एरिया में पोटास की कमी रहती है, तो पोटेशियम जो है हम म्यूरेट्स ऑफ पोटास MOP वगैरह डाल के उसको पूरा करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम कृत्रिम तौर पे हम कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम है उसको बढ़ा सकते हैं, मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं, पोटेशियम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पीएच अगर अप एंड डाउन है उसको थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं, सैलिनिटी को हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अगर आपका सैलिनिटी कम है, 3-4 सैलिनिटी है, तो उसमें आपका अच्छा प्रोडक्शन नहीं आएगा आपका। दूसरा, ये पानी के जो पैरामीटर्स हैं अगर ये आपके बराबर होते हैं तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको काम करने में उतना मुनाफा नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो आपको नुकसान ही होगा। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें, ये तमाम जानकारियां हमारे किसान दर्शकों के लिए साझा करने के। ये थे विकास दुहन, प्रगतिशील किसान, जो नेवी की नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने 2016 जनवरी में झींगे की खेती की शुरुआत की हरियाणा के रोहतक में, और आज पिछले 6 साल में करीब करीब 3 गुने अपनी खेती को बढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, और उनके पास किसानों के लिए बहुत सारे सलाह भी थे जो उन्होंने हमारे कार्यक्रम के दौरान दिए हैं, ऐसे हर किसान के लिए जो इस खेती में उतरना चाहता है। mandi.com में आज बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए आप डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।